मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स का संस्कृत में पढ़ेंगे। नवा पाठ है जिसका नाम उज्जैन दर्शन। तो इस पाठ में हमें उज्जैन नगर के बारे में बताया गया है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन मध्य प्रदेश से प्रसिद्धम दर्शनीय स्थान अस्ति। उज्जैन जो है वो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान है। उज्जैनी भोपालात पश्चिम दिशि अस्ति। उज्जैन जो उज्जैन शहर है वो भोपाल के पश्चिम दिशा में स्थित है। विविधेभ्य प्रदेशेभ्य जना उज्जैनी आगच्छन्ति। और बहुत सारे प्रदेशों से जो लोग हैं वो उज्जैन घूमने के लिए आते हैं। कुंभ पर्वणि विदेशेभ्य अपि बहवः जना आगच्छन्ति। और कुंभ पर्व जो मनाया जाता है उज्जैन में, वहाँ पर विदेशों से लोग भी वहाँ पर कुंभ को देखने के लिए आते हैं। क्षिप्रा नद्या समीप मुख्य दर्शनीय स्थान महाकाल मंदिरम रास्ते। क्षिप्रा नदी के समीप में सबसे मुख्य दर्शनीय स्थान जो है उज्जैन का, वो है महाकाल मंदिर, वहाँ पर विराजमान है। सर्वदा मंदिरा घंटा नादा श्रूयते। और हमेशा मंदिर की घंटियों की आवाज़ श्रूयते में सुनाई देती है। हमेशा मंदिर में घंटी की आवाज़ लगातार ही सुनाई देती है। भक्तजन मुखेभ्य जयघोषा निस्सरति। और जो वहाँ पर भक्त लोग हैं उनके मुख से हमेशा जयघोष मतलब जयकारे लगते रहते हैं। महाकाल मंदिरा जना महागणेश मंदिरम हरिसिद्ध मंदिरम च गच्छन्ति। जब लोग महाकाल मंदिर जाते हैं, वहाँ पर उज्जैन में घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है, महागणेश मंदिर और हरिसिद्ध मंदिर भी जरूर जाते हैं। इतः चतुर्धाम मंदिरम समीपे एव अस्ति। और उसके समीप में क्या है, चतुर्धाम नाम का एक मंदिर स्थित है। ततः चिंतामणि गणपति मंदिरम मंगलनाथ मंदिरम कालभैरव मंदिरम च जना गच्छन्ति। और वहाँ पर चिंतामणि मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर और कालभैरव मंदिर भी है, जहाँ पर लोग दर्शन के लिए जाते हैं। उज्जैन्या सर्वेषु भागेषु रमणीय स्थानानि सन्ति। और उज्जैन में सारे भाग मतलब उज्जैन पूरे शहर में ही रमणीय स्थान है जो कि लोगों के देखने लायक है। यात्रिका मार्गदर्शकात् स्थानानां महत्वं जानन्ति। और या वहाँ पर जो यात्री जाते हैं उनको मार्गदर्शक जो होते हैं, गाइड जो होते हैं, वो हर एक स्थान का उनको महत्व बताते हैं। पंचकोशीय यात्रायां स्थानात् स्थानं गच्छन्ति। और वहाँ पर लोग पंचकोशीय यात्रा भी करते हैं। प्राचीन कालात आरभ्य उज्जैनी क्षेत्रम संस्कृत विद्या केंद्रम अस्ति। और प्राचीन काल के आरंभ में क्या था, उज्जैन जो था वो संस्कृत की विद्या का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। सांदीपनि आश्रमात् जनः श्रीकृष्णस्य इतिहासं जानन्ति। और सांदीपनि मुनि का वहाँ पर आश्रम है जहाँ पर लोग श्री कृष्ण जी के इतिहास के बारे में जानते हैं। उज्जैन्या राजा विक्रमादित्य से कालात विक्रम संवत्सरस्य गणना भवति। और उज्जैन जो है उज्जैन की मतलब उज्जैन में राजा विक्रमादित्य हुआ करते थे और उनसे ही क्या है विक्रम संवत्सर की गणना की गई है। बहुना कविना मुखेभ्य एवं च कालिदास मुखात् अपि उज्जैन्या सौंदर्यम वर्णितम अस्ति। और बहुत सारे लोगों के मुख से भी उज्जैन नगर की सौंदर्यता का वर्णन किया गया है और कालिदास जी ने भी उज्जैन की सौंदर्यता का वर्णन किया गया कहा। महाकाल महिमा यथा। और वह महाकाल की महिमा के लिए एक श्लोक बोला जाता है। आकाशे तारक लिंगम पाताले घाट केशवम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रयम पासमहि। मतलब कि आकाश में जो है तारक लिंग है, पाताल में घाट केशव लिंग है और मृत्युलोक में जो महाकाल लिंग है, वो तीन जो है वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है उनको। थैंक यू स्टूडेंट्स।